सीताराम बोलो बोलो बागेश्वर धाम की जय, गौ माता की जय, भारत भूमि की जय, श्री सीताराम भगवान की जय। ये जो बालक यहाँ बैठा है और इसके साथ में एक व्यक्ति जो भी हो वो आ जाए, ये बालक बैठा जो आप बैठ जाओ, हाँ आप आ जाओ, आ जाओ आ जाओ जाओ, वो जैकेट पहने वाले आ रहे हैं, आप बैठ जाओ, सब सामने वाले बैठ जाओ, वो पीछे वाले आ रहे हैं, आगे वाले बैठ जाओ, टोपा जो लगाए सिर में बैठ जाओ आप। सीताराम बोलो, साधु जी सीताराम, खाओ तुम ना भी आशीर्वाद, सब खा आशीर्वाद, भैया सबको भलो हो, सबकी अर्जी स्वीकार हो, बस 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 बस। अरे मैं इतने पाँव परवावे लायक नहीं है, सीताराम भर कर ले बहुत है, कहाँ से आए बेटा? सतना से गुरु जी। सतना रीवा, अरे भगवान, अर्जी नहीं लगी? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? किसके साथ हो, उसी बालक के? नहीं, वो दूसरे जाने गुरु जी। हाँ। बागेश्वर धाम की। लिख लिया, बोलो बेटा क्या बात है? गुरु जी मम्मी के पैरों में तकलीफ रहती है। डॉक्टर को नहीं दिखवाया तुमने? कई जगह दिखवाया गुरु जी। हाँ। पापा जी को भी बीपी वगैरह या नॉर्मल प्रॉब्लम रहती है गुरु जी। हाँ। घर में किसी न किसी की तबीयत बिगड़ी, हमने लिखा परेशान है, घर में सभी को दिक्कत बन पाती है, रोग है, पैर में दिक्कत माँ को बनी, घर में दिमाग काम भी नहीं करता, दिमाग में दिक्कत बनती, वर्तमान में धन की तंगी से जूझ रहे हैं, कुलदेव रोष्ट हैं, घर की सभी परेशानी दूर हो जाएगी, मनोरथ सभी पूर्ण होंगे, आशीर्वाद। सरकार की जय, जय श्री राम। माता जी को लाना है, दोनों पैरों में सूजन व उठने बैठने में इनको समस्या बन रही है, असहनीय पीड़ा है, विगत 10 साल से हैरान है, दिमाग किसी का भी काम नहीं कर रहा है, आपने भी पूर्व में अनेक काम कर लिए हैं, 3 लोगों ने आपको धोखा अत्यधिक दिया है, जिस कारण से वर्तमान में आहत हैं, आपके घर पर प्रवेश करते ही बोझ हो जाता है शरीर में, हाँ या ना? कुलदेव का कारण है, दोबारा आपने बंधन बंदेज यानी किसी तांत्रिक विधि के द्वारा आपने करवा लिया, उसका कोई भी असर नहीं हुआ है, घर पे बुलवा कर रात के पूजा करवा ली, उको असर नहीं भाव, कुलदेव की पूजा करो, वो रुष्ट हैं, उसमें आपके दोष है, अपने घर पर सत्यनारायण का पाठ प्रत्येक पूर्णमासी से कराओ, आज ही से घर में लाभ हुई है, आशीर्वाद। बोली सत्य दरबार की, आज से होगा उसका भी ये मन खूब, बस बस छूना नहीं। श्री सीताराम बोलो भैया, बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सन्यासी बाबा की, बोलो गौ माता की, बोलो भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की। जो बोरियों के पास में ये बच्ची बैठी है बिल्कुल अभी यहाँ, हाँ हाँ, आपके साथ जो भी हो बहन उन्हें लेकर के आओ। सीताराम बोलो, बोलो बागेश्वर धाम की, इस तरफ में लास्ट में एकदम सफेद कपड़ा पहने, बोतल हाथ में लिए हुए, पानी की बोतल एकदम लास्ट में, प्लीज कम हेयर माई डियर, इधर आओ, व्हाइट कपड़ा पहने सफेद, तुम चाय जहां खड़े रहो, बब्बा जी वहां पूंछ घुमाने सो जय जय हो जाने, यही तो दरबार की महिमा है, बागेश्वर धाम दरबार की महिमा, तब तो केवल भारतीय नहीं, वर्तमान में बागेश्वर धाम बालाजी के दरबार में यूएसए कनाडा आदि आदि देशों के भक्त आते हैं, पर रोते हुए आते बालाजी, हंसते हुए भेजते हैं। बोले बालाजी सरकार की। कहाँ से आई बेटा? माइक से जरा लाउडली बोलो बेटा। एक मिनट माता जी रुको, आपके साथ माइक माइक लो, आपके साथ हूँ। बोलो बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की। बोलिए अब, प्रश्न बोलिए, क्या बात महाराज जी? हमारे घर में मतलब 3-4 साल में ऐसी घटना घट जाती, कोई दुर्घटना हो जाती, और घर
में सब परेशान रहते हैं। ठीक है, आपकी क्या अर्जी? जी हमारी छोटी। क्या बात है बेटा, रो मत, बड़ी गंभीरता से बोलो, क्या बात? आप ही बताओ। हमने लिख लिया है, बड़ी गंभीरता से बात करो। हमें अपने पापा की। क्या हो गया पापा? खत्म हो गए। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आप साथ में ही हैं पूरा परिवार। अच्छा ठीक है, रो ना। हमने जो पर्चे में लिखा, तबीयत ठीक नहीं रहती किसी की, सभी परेशानें कृपा होगी, आपके घर में अकाल मौतें लगातार होती परिवार में, पर्चा पढ़िएगा। क्या पर्चा यही बोल रहा है? है? पर्चा ये बोल रहा है ना, आपके घर में अकाल मौतें परिवार में होती, जिन्न बाधा का कारण है, पिता भी आपके इसी कारण से खत्म हुए हैं, जिंद विद्या का प्रयोग किया गया है, धाम से कट जाएगा, आगे अनहोनी प्रेत विद्या से नहीं होगी, आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की। शत्रु द्वारा किया गया है। हाँ वो तो सबका आया ना, सब पर कृपा आश्रय, ये बहन मंत्र है, तीन माला। रो मत बेटा, रो मत, बालाजी पे छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया बेटा, रो मत। इस मंत्र की तीन माला करनी है, घर की मिट्टी लेकर के आना है धाम पर, घर की मिट्टी। मिल नहीं पाए आप हमसे, 8 महीने से जा रहे हैं, थोड़ा माइक नज़दीक करे रहो। हाँ महाराज, 8 महीने से जा रहे हैं। हाँ, मिल नहीं पाए, कोई बात नहीं, अब आपका पर्चा बन गया, आप हमसे डायरेक्ट मिल लेंगे मंगलवार को, अगर दरबार लगे तो। 25 तारीख तक तो अभी हमने विराम किया, लगेगा 25 के बाद। तो आप अपने घर की मिट्टी सब जगहों की लेकर के पहुंच जाइएगा, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे सभी की तबीयत में। आप अपने घर पर बगलामुखी माता के नाम का कलश स्थापित कर दें, तो बगलामुखी माता के नाम से कलश स्थापित करेंगे तो सभी की तबीयत में तत्क्षण से आराम लगेगा, आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की। इसीलिए तो उन्हीं की कलश स्थापना करनी, ये आपकी ये कुल देवी भी है, ये आपकी भगवती रक्षण में ये काम करेंगी, और आपके पिताजी बगलामुखी माता के साधक भी रहे, और उनकी साधना भी बड़ी प्रबल उन्होंने की है, और इस प्रयोग को करेंगे तो पूरा परिवार सुरक्षित हो जाएगा, आशीर्वाद। जय बागेश्वर धाम की जय। बात एकदम सही, पर्चा एकदम समझ आयो, आशीर्वाद। बोले हनुमान जी महाराज की। घर में खूब मंगल हो बे, बालाजी पूंछ घुमावे, खूब जय जय हो बे, सब अलाये वलाये दूर हो। उनका कोई उपाय नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है, और कोई उपाय नहीं। वाह वाह, आ जाओ बेटा, आ जाओ, बालाजी कृपा कर, हमारे पास आजीवन जुड़े रहे, आजीवन आजीवन बागेश्वर बालाजी से, हमारा आशीर्वाद है। इतने आसपास रहत हो, पटोरी टीकमगढ़ दोनों जगह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कथा सुनो अभी, हैं चलो। जय जय बेटा, खूब जय जय बेटा, आशीर्वाद।